कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के जिम्मेदारों की जानिब से कर्नाटका स्टेट से लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम कम्युनिटी में कुल 5 एमपी टिकट देने का मुतालिबा किया गया है और खासकर कल्याण कर्नाटका में बीदर कॉन्स्टिट्यूंसी से मुस्लिम को टिकट देने पर जोर दिया जा रहा है। कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से बीदर कॉन्स्टिट्यूंसी के चिंचोली तालुका में मीटिंग ऑर्गेनाइज कर इस बात पर जोर दिया गया कि बीदर में 5 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है। तमाम लोगों ने कहा मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से मुस्लिम नुमाइंदगी बेहद जरूरी है और इस बार बीदर से मुस्लिम लीडर को जिताने पर जोर देना चाहिए। कर्नाटका स्टेट में मुसलमानों को अपने मसाइल पर बात करने वाले मुस्लिम लीडर को असेंबली और पार्लियामेंट में भेजने की जरूरत है और कांग्रेस हमेशा ऐसे मुसलमान को टिकट देते आई है जो सिर्फ नाम का मुसलमान है या फिर उसको किसी तरह का कोई सियासी शहूर नहीं है। कर्नाटका मुस्लिम एमएलए इकबाल हुसैन जैसे लीडर सिर्फ नाम से मुसलमान है पर इनके स्टेटमेंट से यह साबित कर चुके हैं कि ये किसी भी तरह से मुसलमान नहीं है। इसके अलावा कई और दीगर अहम इशूज पर बात करते हुए मुस्लिम नुमाइंदगी को एमपी इलेक्शन में मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम से कन्वेनर अली महमद, वाइस प्रेसिडेंट सलाम पाशा, गुलबर्गा सिटी प्रेसिडेंट नसीर मौलाना, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अनवर सिलेदार और केएमपीएफ सेक्रेटरी अफजल महमूद के अलावा चिंचोली काउंसिलर अब्दुल बासित, अनवर खातिम, डॉक्टर मोहम्मद रफी, मतीन सौदागर, अब्दुल हमीद, नुमान पटेल, असलम सौदागर, हाशिम हाशमी, इस्माइल हाफिज और दीगर कई जिम्मेदार इस मीटिंग में मौजूद थे। और मजीद इसके अलावा कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के जिम्मेदारों ने क्या कहा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। आज आपके बीच में आए हैं आपके इस गाँव में जो चिंचोली तालुके का एक हिस्सा है और बीदर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका हिस्सा है। तो ये हम लोग एक वफद के तरीके पर एक वफद लेकर आप लोगों के पास ये गुजारिश लेकर आए हैं कि हालात पूरे मुल्क भर में बिगड़ते हैं, फिर हम लोगों को उसका सामना करना पड़ता है, एक इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश, अमन व अमान पैदा करने की कोशिश हर किसी के जहन में होती है। लेकिन अभी आप जानते हैं कि चंद दिनों के बाद में राम मंदिर का इफ्तिताह होने वाला है, वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और उस प्रोग्राम को करने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी मुहिमें चलाई जा रही हैं। वो इवेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद में इलेक्शन तक उसको चलाया जाएगा। कोशिश ये है कि एक दूरियां पैदा की जाएं मुस्लिम में और गैर मुसलमानों में, एक दूरी पैदा की जाए। हम ये चाहते हैं हमारे फोरम के ज़रिए कि इन दूरियों को कम किया जाए, उसके साथ साथ हमारी जो नुमाइंदगी है उसको बढ़ाया जाए। हमारी नुमाइंदगी सिर्फ हम अपने शहर में बैठकर, हम अपने घर में बैठकर अगर आवाज़ बुलंद करेंगे और चंद लीडरों के पास जाकर अगर हम आवाज़ बुलंद करेंगे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। हम लोग गए हैं, हम लोग कर्नाटक के मिनिस्टर से लेकर बड़े से बड़े लीडर के पास हमारा वफद लेकर गए हैं। पिछले 5 साल पहले भी गए थे और इस बार भी गए हैं। 5 साल पहले हम लोगों से सवाल किया गया था कि अगर हम मुसलमान को टिकट देते हैं तो क्या वो जीत पाएगा, क्योंकि जो सेकुलर जमाते हैं हमेशा उनको ये लगता है कि मुसलमानों के वोट उनको तो मिल जाएंगे लेकिन अगर हम मुस्लिम नुमाइंदा देंगे, मुस्लिम कैंडिडेट देंगे तो उसको दीगर कौमें वोट नहीं डालेंगी। अब दीगर कौमें वोट कब डालेंगी? दीगर कौमें वोट उस वक्त डालेंगी जब उनके जो बड़े हैं, उनके जो जिम्मेदार हैं, वो उनके बीच में जाकर बोलें कि ये फलां कैंडिडेट है, उसकी ताइद में हम भी खड़े हुए हैं। अगर वो नहीं बोलेंगे तो वो लोग मुखालिफत करेंगे, वो लोग दूर हट जाएंगे और नतीजा ये होगा कि अगर कोई कैंडिडेट भी दिया जाता है तो वो शिकस्त का सामना करेगा, उसको हार का सामना करना पड़ेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब भी कोई पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट देती है तो उसको जिताने की भी कोशिश करे।
मैंने आपके सामने जिक्र किया कि राम मंदिर की इफ्तिताह होने वाली है, हमारे बीच में कर्नाटका का एक एमएलए जिसको हमारे वोटों के जरिए जिताया गया है, रामनगर के इलाके में, रामनगर में एक मुस्लिम नुमाइंदे को जिताकर असेंबली में भेजा गया, और अब वो कह रहा है कि मैं राम भक्त हूं। राम भक्त अगर कोई दूसरी कौम का बंदा बोलता है तो वो हमारे लिए काबिल कबूल है, हम उस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब एक मुसलमान होने की हैसियत से ऐसी बात करता है, भक्त का मतलब होता है कि उसको मानने वाला, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, हम अल्लाह के सिवा किसी और को मान नहीं सकते। अब या तो वो नादान है, या तो उसको हमारे दीन की, हमारे मज़हब की कोई समझ ही नहीं है। अब ऐसे लोगों को जब हम ऐवानों में भेजते हैं, असेंबली में भेजते हैं, तो वो हमारे मसाइल के बारे में क्या बात करेंगे। हम लोगों को ज़रूरत इस बात की भी है कि जब हम किसी को नुमाइंदा बनाएं तो उसको देखें, उसको जांचें, उसको परखें कि क्या वो वाकई मिल्लत का कोई दर्द रखता है, कोई मसाइल हमारे हल कर सकता है या नहीं कर सकता। इसकी भी हमारे लिए, हमारे जहनों में ये सोच होनी चाहिए। हमारी कोशिश ऐसे ही लोगों को मौका फराहम करने की है, ऐसे ही लोगों को ऐवानों में भेजने के लिए जद्दोजहद करने की है। बीदर का जो इलाका है, वहाँ पे एक ही बार मुसलमान को मौका मिला और वो जीत कर आया, शौकतुल्लाह अंसारी साहब बोलकर, पहला इलेक्शन जो पूरे कर्नाटक में हुआ था पार्लियामेंट का, उसमें वो जीत कर पार्लियामेंट में गए। उसके बाद यहाँ की सीट रिजर्व हो गई, यहाँ से कोई भी मुसलमान या फिर जनरल कैटेगरी से कोई भी इलेक्शन नहीं ठहर सकता था, कैटेगरी आ गई थी। अब 2009 में क्या हुआ, डिलिमिटेशंस हुआ, डिलिमिटेशन में सीट यहाँ की ओपन हो गई, जनरल कैटेगरी में आ गई, गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो रिजर्व हो गया। अब गुलबर्गा जब रिजर्व हो गया तो वहाँ पर उस वक्त हमारे पास एक मुस्लिम एमपी मौजूद था, 2009 से पहले एक मुस्लिम एमपी हमारे पास मौजूद था। अब रिजर्व होने की वजह से वो सीट हमारे से छूट गई। अब वो सीट मुस्लिम एमपी मौजूद था, उसके बाद में अब कौन है जो एआईसीसी के सदर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो अब वो रिजर्व सीट पर इलेक्शन जीते, और उसके बाद में फिर दोबारा से इलेक्शन जब हुआ तो और एक बार जीते। इस बार के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आप लोग रहते हैं उस इलाके को ओपन करने के बावजूद भी मुसलमान को मौका नहीं दिया गया। आवाज़ें उठ रही हैं, 2009 से ही उठ रही हैं, लेकिन उस अंदाज़ में जिस तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए कि हमारी कम्युनिटी, हमारे कौम में से भी एक को मौका दिया जाए, रिजर्व हो गया है पूरे हैदराबाद कर्नाटक के इलाके में। आज हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सीट नहीं है जहाँ से मुसलमान को मौका मिल सकता है। यहाँ से क्यों मौका मिल सकता है, उसकी वजह यह है कि मुसलमानों की तादाद, वोटर की तादाद 5 लाख है। उसके साथ साथ अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के मिला लिए जाएं तो वो और ज़्यादा हो जाती है, और बैकवर्ड कम्युनिटी के अगर मिला लिए जाएं तो वो और बढ़कर 10 लाख के करीब हो जाती है। टोटल तादाद वोटर्स की जो पिछले बार थी वो 16 से 17 लाख थी। तो ये हमारे लिए एक बुनियाद बनता है जहाँ कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सीट को मुसलमान को देना चाहिए। मुसलमान को अगर दिया जाता है तो उसको मौका मिलता है, और इस बात का भी उसे एहसास रहेगा कि मेरे मुसलमान होने की वजह से मुझे टिकट मिली है और मुझे एक जिम्मेदारी निभानी है, अब मेरी कौम की भी नुमाइंदगी करनी है, मेरी कम्युनिटी को भी आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि मैं जीत गया तो अब पार्टी का होके रह गया, तो ये एहसास भी उसके अंदर रहे, ये हमें कोशिश करनी है। हमारा मकसद आप लोगों के बीच में आने का बस ये है कि आप लोगों का हमें साथ चाहिए इस मामले को लेकर, क्योंकि हम जब भी किसी लीडर से मिलते हैं तो हमें ये बात सुनने को मिलती है कि
अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान को मौका मिले, हमारे मुस्लिम कौम के जो लीडर्स हैं, मुसलमानों के बीच के जो लीडर्स हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर आपको मौका चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि निचली सतह से आवाज़ उठना शुरू हो, यानी कि गांव से, देहात से, तालुकों से। जब तक यहाँ से आवाज़ नहीं आएगी तो पार्टियों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। अब हमारे बीच में कोई शको शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है, सिवाय मौजूदा हालात में एक ही सेक्युलर पार्टी है जिससे हम ये मुतालबा कर सकते हैं। एक जनता दल थी, वो क्योंकि बीजेपी के साथ में जा चुकी है, तो उसके बाद बचती है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। अगर वो लोग नहीं देते हैं, अगर इस बार उनसे कोताही होती है, चूक होती है, जो पिछली बार की तरह उन्होंने वो फिर एक बार करते हैं, पिछली बार एक ही सीट दी गई थी, बेंगलुरु सेंट्रल की एक सीट दी गई थी, वो भी वहाँ के कैंडिडेट को हरा दिया गया। इस बार हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम पार्टी की जानिब से बिदर तो इस इलाके के लिए हमें हासिल हो जाए। इसके लिए हम पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं, पूरे इलाके के दौरे करके आप लोगों के अंदर, हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच से आवाज़ उठे। हमारी यही गुजारिश है आपसे कि इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। ये 2024 के इलेक्शन में हमारे इलाके की नुमाइंदगी हो, एक हमारे बीच का एक बंदा जाए, इसके लिए आप लोगों की तरफ से भी आवाज़ आनी चाहिए, इसीलिए आपके बीच में आए हैं। मुसलमान 5 लाख होने के बावजूद भी हम जो है किसी के इस पे दर पे जाना पड़ रहा है। ये हर कम्युनिटी के पास जाके, आप हर मुसलमान के पास जाकर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर हमारी ताकत को मजबूत करें, हम तो कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम कैंडिडेट तो नहीं ठहरा कर सकती, जनता दल का तो हम वजूद को खत्म ही कर दिए। अब रहा कांग्रेस का मसला, कांग्रेस भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी जो है गले में हड्डी हटकी हुई है, हम ना फूक सकते ना निगल सकते उसे, भरोसा तो कर सकते उस पर। मेरी अदबन गुजारिश है, जितने तुम्हारे देहात है हमारे कहने पे लब्बैक कह के सबको जो है कन्विंस करके, 5 लाख वोट किसको बोलते साहब, 5 लाख वोट किसको बोलते। हम चुप दूसरों के तस्तरी में जो है रख के चाय पीने की जरूरत नहीं, हम खुद मेहनत करना चाहिए, हम जो है हमारे कैंडिडेट को जिताना चाहिए, जो भी कैंडिडेट देंगे हम उसका सपोर्ट करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी से नहीं है न जनता दल से, हमको सिर्फ जो है हमारी नुमाइंदगी के वास्ते, हमारी फलाबुद्धि के वास्ते, हमारा कैंडिडेट जो अच्छा काम कर सकता है उसको आपको लाके मिलाएंगे, हमारा एक नुमाइंदा यहाँ से जिता के भेजना है बिदर से, कोशिश करे तो बराबर जीतता है। गुलबर्गा पहली बार जो जीते कमरुल इस्लाम साहब, वो वाह शख्स था, जीत के बताए उसको 1996 में पहली बार जो है गुलबर्गा में नुमाइंदे करने का मौका भी दिए, मुसलमानों को मुतैद किए। उस हिसाब से बीदर के लोग भी जो है, कोई भी कैंडिडेट आए, मुस्लिम कैंडिडेट आए तो हम जो है उसको सपोर्ट करके इंशाल्लाह जिताने की कोशिश करना चाहिए। आप रुमनगुड़ी नहीं बल्कि अतराज के देहात जीते हैं, उस देहात में आप अपना काम समझ के चले जाना, सबसे जो है रिक्वेस्ट करके वोट डलाने की कोशिश करना। शहर का माहौल अलग होता है और गांव का माहौल अलग होता है। मैं समझता हूँ यहाँ बहुत मिलजुल कर रहते होंगे आपस में, शहर में बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, इल्म वाले लोग भी रहते हैं, ज़रा बहके हुए भी रहते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे शहर हो या गांव हो, मुसलमानों के दरमियान एक बात बड़ी अच्छी चलती है, हम मजबूर हैं भाई, हमारी मजबूरी है, अल्लाह के साथ ही रहना चाहिए। मैंने जानता है कितने लोग मजबूर हैं इस गांव में, कौन मदद कर पाए, मजबूरों की कोई मदद नहीं करेगा, यह बात ध्यान रखिए। मदद तो उसी आदमी की होगी या बराबर बैठकर जो बात करेगा उसका ही काम पूरा होगा। अरे साहब हम मजबूर हैं, अगर समझिए, अरे भाई गुलबर्गा के लोग, बीदर के लोग, चिंचोली के लोग फला फला पार्टी को वोट डाल रहे हैं, ठीक है डाल रहे होंगे, हमारे शहर के हमारे गांव का मसला है, आप ये काम करते हैं या नहीं ये बोलिए आप।
इस टाइप से अगर कोई बात करेगा तो मैं समझता हूँ आपके बहुत सारे मसाइल भी हल होंगे और ऐसे लोग भी सामने आएंगे मौलाना जैसे जो आप लोगों का काम करें। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ठीक है भाई, हमारे पास उतना पावर नहीं है पॉलिटिकल लेवल पे, और बनाना चाहिए। मुझे यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि 40% वोट है, मामले नहीं होते 40% वोट, एक एक वोट की भी कीमत होती है। तो इस लिहाज से मैं बोलना ये चाह रहा हूँ आपको कि भाई आप लोग भी आवाज उठाइए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई पहले चार पांच जो भी हमारे कर्नाटक से मिनिस्टर भी रहा है सेंट्रल में, तो यहाँ पर भी नुमाइंदगी होना चाहिए। और खासतौर पे बीदर से, क्योंकि गुलबर्गा में जो है मुस्लिम एमपी था उसको रिजर्व कर दिया गया, तो पिछले 5-6 साल से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई बीदर एक सीट है जहाँ से मुसलमान जीत सकता है, क्योंकि मुसलमानों की आबादी है। अच्छा, ये थ्योरी भी गलत है, क्यों साहब मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुसलमान को ठहरा कर क्यों जिताना, तुम्हारी पार्टी किस काम की है? हर कम्युनिटी में आपका असर होना चाहिए, पूरी आवाम के साथ आपका ताल्लुक होना चाहिए, पूरी आवाम आपको चाहना चाहिए। हाँ, जहाँ पे मुसलमान नहीं है वहां से मुसलमान को ठहरा करके जिताइए तो हम आपको माने, हमारे पास से दीजिए किसी का मुस्लिम को। वैसे आप देते छे, बोलने की जरूरत नहीं है, और हम लोग वोट भी देते हैं उन लोगों को बगैर किसी रुकावट के, और वो लोग वोट लेते सीधा भाग जाते हैं, बीजेपी चले इधर चले उधर चले, क्या गारंटी है भाई? और लीडर है क्या? लीडर पैदा होता है, बनता है, बाद में उसको आवाम बनाती है, और आवाम की जो ताकत जिसको मिलेगी वो लीडर बनता है, ये बात ध्यान में रखिए आप, उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। और मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मुसलमान हिंदुस्तान में है, क्योंकि उसको वोट का पावर है, और हम उसको समझ नहीं रहे। हम उसको सिर्फ ये बोल रहे भाई मजबूरी है हमारी, मजबूर है हम, तो बहरहाल आप उनके समझ में आ गया, सामने वाले कि ये मजबूर है, इन्हें जाते कहीं नहीं, हमारे को चाहते, लिहाजा जो है इनको चलो दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो ठीक है, लेकिन आप लोग बताइए कि अगर आप देंगे तो हम आपके साथ आएंगे, भले से जाए ये सीट, लेकिन हमारी हमारा मुतालबा पूरा कीजिए आप, क्यों नहीं करते? आपको 90% वोट जो है मिले हैं यहाँ से, 88% पूरे कर्नाटक से, और आप जो है सोच रहे थे मुसलमानों के बारे में 2 मिनिस्ट्री दिए हैं, जो लोग वोट नहीं दिए उनको 6-6 मिनिस्ट्री दिए, जो लोग आपके साथ नहीं उनको जो मिनिस्ट्रियां दिए हैं। तो ये हमको सोचने की जरूरत है, उनको नहीं, हमको सोचने की जरूरत है। और मैं तो ये चाहूंगा कि भाई हमारी सीटों का फैसला वो लोग क्यों करें, हम खुद करना चाहिए कि फला उस्मान साहब को खड़ा करें, हम इनको जिता कर लाएंगे, उन्होंने जो कैंडिडेट देते हैं हम उसको लेना। अभी ये उस ताकत में, उस माहौल में, उस शऊर में हमारी कौम आई नहीं है, जिसकी मजबूरी है, वरना अगर शऊर में आती तो जैसा कि रामनगर की बात अभी बताए, खुद बीदर की भी बात है, एक हमें MLA साहब बोल दिए फला इसमें जो है मुझे खुदा नजर आता है। तो बहरहाल ऐसी चीजें होते रहती है। हमको चाहिए कि हम सही तौर पर किसी के जरिए हमारा एक्सप्लेटेशन या इस्तेसाल, हम उनके आलायकार नहीं बनना, अपनी समझ भी लेना। ठीक है, आप यहाँ 40% है, बैठ के फैसला कीजिए, सोचिए, बात कीजिए, और जो भी आता उनसे मुकाबिल बिठा के बात कीजिए। हमारे पास 40% वोट है, ठीक है, वो गुलबर्गा वाले डालते होंगे, चिंचोली वाले डालते होंगे, बीदर वाले डालते, हमारा मामला अलग है। हमको ये चाहिए, आप देने वाले हैं, आप गिनकर इतने वोट ले लेना, हमारे हैं। तो ये मामला अगर होता है तो बहुत सही है। अरे फला बीजेपी को हराना है, अरे वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है हम हराएंगे, तो हमारे को कितना हिस्सा दे रहे हैं आप? अब राहुल गांधी साहब बोल रहे जिसकी वो क्या हिस्सेदारी, उतनी भागीदारी क्या तुम भी बोले हो, तो किधर भागीदारी भी गई, उन्होंने चले गए। अच्छा, मोहब्बत की दुकान तो खोले, उसमें सामान ही नहीं है, क्या कर रहा हूँ? तो ये चीजों को प्रशांत कुमार किशोर का एक वीडियो क्लिप जो है वायरल हो रहा है, उन बोल रहा है कब तक तुम राहुल के इंतजार में, ममता के इंतजार में, इनके इंतजार में रहेंगे?
कोई किसी की फिक्र नहीं करता, खुद आप अपनी फिक्र कीजिए। मैं प्रशांत किशोर की क्लिप बोल रहा हूँ जो बहुत वायरल हो रही है, और वो कोई मेहता है वो लड़की, वो न्यूज चैनल है, तो ये बोल के मुसलमानों में खुद उनके दुश्मन पैदा होते हैं। जो ही कोई सामने उनकी आवाज देखा, अरे इनका एजेंट है, उनका एजेंट है, पता नहीं कहाँ से लाते हैं बातें इस तरह की होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है, हमारी एक सीट बीदर से आ सकती है। जब तक हम ग्राउंड लेवल से बात नहीं करेंगे, वो अब एक ही सेकुलर जमात बची हुई है कांग्रेस, उससे भरपूर मुतालिबा करें तो शायद प्रेशर भी हो उन पर, और वो देने पर मजबूर भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सभी मुसलमान भाइयों का, रुमुन तमाम, और हमारे खासकर आज मेहमान नवाजी पर आए हमारे नासिर मौलाना साहब का, कम से कम 3 साल से आने की गुजारिश कर रहे थे, मौका नहीं मिला, लेकिन आज अचानक मौका मिलने से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और तमाम उनके साथियों का, और जितने भी गांव के लोग आए उनके साथ देने के लिए उनको तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साहब ने एक बात बोले तो ये उनकी पार्टी है, ये इनकी पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है, तमाम ये हमारा काम नहीं है, ये चंद राजनीति पार्टियों से क्या है, हम मुसलमान सब लोग एकजुट होकर अगर एक मकाम पर पहुँचे तो सबका भला होता है। इसको डिवाइडेशन मत करो, अल्लाह के वास्ते सब लोग एक रहेंगे, ये छोटा काम नहीं, सभी बड़े बड़े काम और रंधे, कुछ भी छोटे रंधे या बड़े रंधे, कुछ भी एक कौम को लेकर चलने की रंधे, आज गरीब के घर की एक शादी का रंधे, एक कोई मस्जिद का रंधे, कोई माहौल का रंधे, कहीं हमारा मुसलमान भाई कहीं परेशान रंधे, कहीं गरीबी में रंधे, उसको उभारने का हम सब लोग मुसलमान भाइयों का काम है। आज कोई हमारे कोई पार्टी देती नहीं, सिर्फ वोट डालती है, एक यूजन तरह प्लास्टिक के गिलास की तरह फेंक देती है, चल देती है, हो गया हमारा काम, कल का दिन पूछ नहीं जो देखेंगे तुम्हारा, अभी वो बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाने देखेंगे तो बात करेंगे, अभी तुम थोड़े दिन के बाद आओ, हमारे को ऐसा करके टालने के लिए क्या है ये नाम तो सेकुलर पार्टियाँ बोलती हैं, क्या इसमें पार्टियों में कुछ भी नहीं है, हमारा मौका ले लेते हैं, हमारे को फेंक देते हैं और हमारा सा काम लेके छोड़ के चले जाते हैं, क्या इसलिए क्या है सब जने हमारी जहाँ तक भी मुस्लिम कौम है, एक हो जो गुलबर्गा से जो टीम आई, नासिर मौलाना साहब की जो टीम आई है हम रुमनगुड़ ग्राम को, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो अभी तक हमारे को जो चंद बातें बताए वो बातों पर चलने का अमल भी फरमाते हैं, और जो अभी तक भी जो पॉलिटिक्स से जो बिदर डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे जो 5 लाख जो वोट है जो उसके बारे में जो जिक्र करे, हम उसके इस तक क्या है चलने की कोशिश करेंगे, और क्या है उसके ऊपर अमल करने का भी कोशिश करेंगे, और क्या है जहाँ तक भी 5 लाख वोट रख के भी हम क्या है एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ते, कुछ हमारे मुस्लिम कैंडिडेट को एक हम मजबूती बनाएंगे तो हमारी ये रेसी भी क्या है एक लीडर बन सकता है हमारे लिए, हम उसकी कोशिश करेंगे जरूर। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा, स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन, डिप्लोमा इन अरबिक, 2023 एडमिशन स्टार्टेड, कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।